गाइस नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग गाइस, ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस महाराजा ट्रॉफी धीरे धीरे अपने लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। टूर्नामेंट में 25 मैच कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बात करते हैं टूर्नामेंट के मैच नंबर 26, जिसकी तरफ एक तरफ है मैसूर वॉरियर्स तो दूसरी तरफ है वुली टाइगर्स। इन दोनों के बीच मैच होगा, या मैच होगा 27 अगस्त को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम के 7 बजे से स्टार्ट होगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन बेंगलोर में मौसम क्लॉडी रहेगा, हल्के बादल रहेंगी, बारिश होने के आसार हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, रेन चांस 62%, ह्यूमिडिटी 70%, टेम्परेचर रहेगी 24 डिग्री सेल्सियस। पिच एनालिसिस की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए फेमस है, यहाँ खूब रन बनते हैं, यहाँ स्विंग बॉलर्स को हेल्प भी मिलता है और उन्हें भी ज़्यादा विकेट भी मिलता है। स्पिनरों को यहाँ बॉलिंग रन टर्न नहीं करती है और रिकॉर्ड भी देखा जाए तो पेसर को यहाँ ज़्यादा विकेट मिलते हैं। बैटर्स को स्टार्टिंग ओवर में संभल कर खेलना होगा और सेकेंड इनिंग में ड्यू के चलते रन चेस ईजी होगा। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 42%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 58%। एवरेज स्कोर की तरफ देखें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 165, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 151। दोस्तों बात करते हैं हेड टू हेड की, तो MSW का हुआ है 7, HT का हुआ है 3। पेस वर्सेज स्पिन लास्ट टाइम मैचों की बात करें तो पेस 76, स्पिन 55। हुबली टाइगर शॉट एनालिसिस की बात करें तो टूर्नामेंट में लगातार 4 जीत के बाद हुबली टाइगर्स ने अच्छा स्टार्ट किया था, फिर टीम 2 गेम हार गई। टीम ने अब तक टोटल 7 मैच खेलकर 5 में जीत हासिल की है और टीम टेबल में अब तक नंबर 2 पर है और टीम का रन रेट अभी भी और माइनस में चल रहा है। टीम के कप्तान मनीष पांडे हैं और टाइगर्स की बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। मनीष पांडे 160 रन बनाकर टॉप स्कोरर हैं। ओपनिंग में थिपा रेड्डी एंड मोहम्मद तहा खेल रहे हैं। नंबर 3 पर है आदर्श प्रज्वल, फ्लॉप है। श्रीजीत ने 6 इनिंग में 139 की स्ट्राइक रेट से 110 रन बनाई है और टीम की बॉलिंग उसकी ताकत है। टीम के सभी बॉलर्स फॉर्म में हैं। तो बॉलिंग अटैक की लीड करते हुए ये एलआर कुमार ने शानदार परफॉर्म किया है। उन्होंने 6 मैच में 8.70 की इकोनॉमी से 12 विकेट लिए हैं। विद्वात कवरपा ने 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं और मनवंत कुमार टीम के टॉप विकेट टेकर हैं, उन्होंने भी अब तक 14 विकेट लिए हैं। HBT प्लेइंग ऑर्डर की बात करें तो मनीष पांडे, मोहम्मद तहा और थिपा रेड्डी, आदर्श प्रज्वल और KL श्रीजीत और अनीश्वर गौतम, कार्तिकेय KP कुमार LR और मनवंत कुमार और विद्युत कावेरपा, KC करियप्पा। की प्लेयर्स की बात करें तो मनीष पांडे, KL श्रीजीत, कार्तिकेय, KP। मैसूर शॉट एनालिसिस की बात करें तो मैसूर ने टूर्नामेंट में अब तक काफ़ी रन अप एंड डाउन देखे हैं, अप एंड डाउन वाले। और शुरुआत में 2 हार के बाद टूर्नामेंट में ज़बरदस्त कमबैक करते हुए लगातार 3 मैच में जीत दर्ज की है, लेकिन फिर लास्ट 2 गेम्स में टीम हार गई। अब तक 8 मैच खेलकर 4 में जीते हैं, 4 में हारी हैं और टीम टेबल में नंबर 4 पर हैं। और करुण नायर टीम के कप्तान हैं और वो सुपर फॉर्म में हैं। उन्होंने 8 मैच सबसे ज़्यादा 346 रन बनाए हैं ओपनिंग में और कार्तिक खेल रहे हैं, नंबर 4 पर हैं। और समित द्रविड़ मौका को मिला है और लेकिन वो भी फ्लॉप चल रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मनोज भंडारी मैसूर के लिए, जो कि 8 इनिंग में 196 के स्ट्राइक रेट से 212 रन बनाए हैं। और जगदीश सुचित और हर्षिल धर्मानी निविडल ऑर्डर में टीम के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। और सुमित कुमार टीम के विकेट कीपर हैं। बॉलिंग में बात करें तो 7 ऑप्शन के साथ खेल रही हैं और विद्याधर पाटिल 9.30 की इकोनॉमी से 13 विकेट लिए हैं और जीत कार्तिकी ने भी अब तक 12 विकेट निकाले हैं। और जगदीश सुचित भी डेथ ओवर में विकेट निकाल रहे हैं और उन्होंने 9 विकेट लिए हैं। कृष्णप्पा गौतम टीम के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। प्लेइंग ऑर्डर की बात करें तो CA कार्तिकेय एसूर और करुण नायर, हर्षित धर्मानी और समित द्रविड़, मनोज भंडारे और सुमित कुमार, M और वेंकटेश और जगदीश सुचित, विद्याधर पाटिल, कृष्णप्पा गौतम। की प्लेयर्स की बात करें तो करुण नायर और कृष्णप्पा गौतम, विद्याधर पाटिल। ड्रीम 11 फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट कीपर में KR श्रीजीत, बैटर शामिल है मनीष पांडे, KC करियप्पा, मनोज भंडागे और करुण नायर है। बॉलर्स में शामिल है विद्युत कावेरप्पा, कुमार LR, विद्याधर पाटिल हैं।
और ऑलराउंडर में शामिल है अनीश्वर गौतम, कृष्णप्पा गौतम, जगदीश सुचीत। प्रेडिक्शन की बात करें दोस्तों तो ओवरऑल रिकॉर्ड में मैसूर बहुत आगे है और उनसे भी 7 बार जीत दर्ज की है, जबकि हुबली ने 3 बार ही जीत हासिल की है। लेकिन हुबली इस वक्त टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और हुबली के टीम के पास क्वालिटी प्लेयर भी दिख रहे हैं, जिसको देखें तो मैच का विनर हुबली टाइगर्स हो सकता है। तो गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको मिल जाएंगे सारे मैच से रिलेटेड मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।